मैं मोहम्मद जकी फ़िलहाल थर्ड ईयर MBBS में हूँ। मैं बेंगलोर से ताल्लुक़ रखता हूँ। पैदाइश बेंगलोर में हुई, दिल्ली से ओरिजिन है मेरा। मैं ख़ास तौर पर हुफ्फाज़े किराम से मुखातिब हूँ जो पहले कुछ नहीं पढ़े, डायरेक्ट 10th में दाखिला ले रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह आप मुसलसल मेहनत हिफ्ज़ में लगाते थे, इसी तरह मेहनत जो है 10th में, 11th में, 12th में लगानी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आदमी किसी नई जगह जाता है तो वो मेहनत करता है, वो गौर व फिक्र करता है कि ये कैसी चीज़ है। पहले परखना चाहिए, परखने के बाद जानना चाहिए कि हाँ भाई इसमें मेहनत लगेगी या नहीं। अब आप हिफ्ज़ के फील्ड से निकल कर जो है शाहीन में असरी तालीम हासिल करने के लिए 10th के लिए आते हैं तो यहाँ का माहौल अलग होता है, यहाँ की पढ़ाई अलग होती है। इसको परखा जाए और इसको समझा जाए और इसको समझने के लिए आपको मेहनत लगती है। देखिए, हम लोगों में जो है आप माशाल्लाह हाफिज़ हैं, हुफ्फाज़े किराम हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं दूसरों से। देखिए, मैं भी हाफिज़ था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे भी मेहनत करने के लिए तौफीक दी और देखें मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे अल्लाह ने MBBS की सीट भी दिलवा दी, सिर्फ मेहनत करनी पड़ी मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने मेहनत की और मैं आगे बढ़ गया। हाफिज़ जो होते हैं हुफ्फाज़े किराम, उनके अंदर जो दो चीज़ छुपी होती हैं, एक होती है सलाहियत, उसको बरकरार रखा करें, और एक होती है सालिहियत, उसको भी बरकरार रखा करें, और फिर मेहनती भी बने। ये दो तीन चीज़ें जो हैं आपकी, इसको इस्तेमाल करें, इसको बरकरार रखें और आगे पहुँचें। और उम्मत को आपकी ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, लॉयर बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, जो भी बने, आपको बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। उम्मत को आपकी सख्त ज़रूरत है।